ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूँ कृतिका। टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी की बड़ी मुश्किलें, एसिड अटैक पर एक वीडियो किया था पोस्ट। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एसिड अटैक को फिल्माया गया है। वीडियो में टिकटॉक स्टार फैजल सिद्दीकी एक महिला के चेहरे पर कोई लिक्विड फेंकते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसने उससे प्यार में धोखा दिया था। इस वीडियो में फैजल सिद्दीकी कहता है, उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। इसके बाद लड़की के चेहरे पर एक लिक्विड फेंका जाता है और उसका पूरा चेहरा जल जाता है। वीडियो में फेंके गए लिक्विड को एसिड बताया गया है। वीडियो में एसिड अटैक इंजरी को दिखाने के लिए एक महिला अपने चेहरे पर पेंट के साथ नजर आ रही है। ट्विटर पर लोगों ने फैजल सिद्दीकी के इस वीडियो को लेकर नाराजगी जताई और कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर लोगों ने फैजल सिद्दीकी के साथ साथ इस वीडियो में एक्ट करने वाली लड़की के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की और कहा कि एक महिला होने के नाते कम से कम उसे तो एसिड अटैक पीड़ितों के दर्द के बारे में सोचना चाहिए था। और अब इसको लेकर फैजल सिद्दीकी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। फैजल के टिकटॉक पर 1.34 करोड़ फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर पर राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख रेखा शर्मा से फैजल सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रमुख ने मामले का संज्ञान लिया है और कहा है कि वह इस मामले को टिकटॉक अधिकारियों और पुलिस के साथ उठाएंगी। प्राइम न्यूज 24 ब्यूरो की रिपोर्ट।